हरी मिर्च की पिक लेके आसान रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने मिर्च को धोकर साफ कर लिया है। ये 250 ग्राम मिर्च है, मैंने इसको डंठल सहित ही काट कर लिया है, इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो डंठल हटा सकते हैं, लेकिन इनसे बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया आता है। कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, आधा चम्मच पीली सरसों है तो आप ज़रूर से डालें, दो पिंच हींग, आधा चम्मच कलौंजी यानी ऑनियन सीड्स। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ एक चम्मच कूटा हुआ धनिया है, दरदरा कूटा हुआ। अब मैं जो कटी हुई मिर्च है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे मैं इसे भून लेती हूँ। 2-3 मिनट बाद फिर इसे चेक कर लेते हैं एक बार। अब गैस की फ्लेम में लो कर लेती हूँ। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार मिर्च डाल देंगे। आपकी मिर्च तीखी है तो मिर्ची पाउडर स्किप कर दें, मेरी मिर्च बिल्कुल फीकी है ये। 1/4 चम्मच डाल देती हूँ गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर है, ज़रूर से डालिएगा, ये नहीं है तो आप इसकी जगह एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करिएगा। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच साबुत वाली सौंफ भी डाली है, उसे दिखाना मैं भूल गई हूँ, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसके अंदर, ज़रूर से डालिएगा। एक बार सभी मसालों को मिर्च को अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए। देखिए कितनी बढ़िया मिर्च तैयार हुई है, यकीन मानिए बिना भूख भी 10-10 रोटी खा लेंगे। आपको याद दिला देती हूँ, मिर्ची की रेसिपी जरा भी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।